Hey guys, thanks for watching MK Relations. Today we are going to discuss class 10, Physics, Magnetic Effect of Electric Current, Part 3. ठीक है? अभी बता दूँ, last class में बहुत सारा चीज़ cover हो गया था. हम लोग बोल सकते हैं कि half of the part was completed. तो आज हम लोग करेंगे क्या? पहले तो हम लोगों ने क्या किया? Electricity से कैसे magnet पैदा होता है? या फिर electricity, how you can we have seen इलेक्ट्रिसिटी से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, राइट? नाउ इन दिस वीडियो और अभी जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, वो वाले में हम लोग उल्टा पढ़ेंगे. मैग्नेट है तुम्हारे पास, मैग्नेट से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, ठीक है? उसको पढ़ने के पहले आई एम गोना स्टार्ट विद अ स्मॉल टॉपिक, वो है मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग. सुनने में अजीब लग रहा है, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में भी देखो, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स. तो अगर एटम्स है हमारे बॉडी में, दैट मींस व्हाट? आयंस आर आल्सो देयर, राइट? जब हम लोगों का बॉडी में फ्लूइड फ्लो होता है, इट कैन बी ब्लड आल्सो, तो वहां से क्या होता है, आयंस भी आल्सो फ्लो होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से मिला था कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. तो सिंस आयन फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग आयनिक करंट, ठीक है? और जो वो आयनिक करंट है वो एकदम मिनिमम, बहुत ही कम मात्रा में करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है? हमारा बॉडी का हर पार्ट में नहीं करता है, मोस्टली दो जगह पे करता है. एक है तुम्हारा हार्ट और एक है तुम्हारा ब्रेन, ठीक है? दीज आर द टू पार्ट वेयर द आयनिक करंट इज प्रोड्यूस मैक्सिमम. मैक्सिमम मतलब वो भी बहुत कम मात्रा में, ठीक है? तो अभी जो लॉजिक हमने पढ़ा कि जहां से करंट मतलब wherever the whenever current is flowing through a conductor then it produces a magnetic field around. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेन और हार्ट में जब करंट मतलब आयनिक करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ भी क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. सो दैट मैग्नेटिक इफेक्ट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक, ठीक है? तो उसी टेक्निक को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, MRI तो सुना होगा, MRI सुना होगा ना? MRI जो होता है अंदर, to get the internal picture of our body, the last option, जब डॉक्टर कोई मतलब डिजीज डिटेक्ट करता है तो लास्ट में बोलते हैं कि MRI करवाओ. MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है? मतलब मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस मतलब यूज करके हमारे बॉडी में जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है ड्यू टू आयनिक करंट, उसको अप्लाई करके बॉडी का इंटरनल पार्ट्स का पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? वो तो बहुत हाई फंडा फिजिक्स होगा, उतना नहीं चाहिए, जस्ट बेसिक नॉलेज यहाँ पे जानने का ये है कि आवर बॉडी प्रोड्यूसेस आयनिक करंट प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन द इंटरनल बॉडी पार्ट्स ऑफ आवर इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है? तो यहाँ पे यही चीज बोला कि MRI क्या है, द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, पेज नंबर 85 सेकेंड पैराग्राफ ऑफ एस्टन क्या है, द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इनसाइड अ ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ टेक्निक कॉल्ड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और MRI व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? तो MRI यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग नहीं, डॉक्टर्स एक्चुअली डिटेक्ट कर सकते हैं कि बॉडीज में क्या है, कैंसर वगैरह के लिए भी यूज होता है, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है? समझ में आया? इसका एक छोटा सा नोट खुद से बना के लिख दो तो मतलब एग्जाम में तो ऐसे इसके फॉर्म से आता नहीं है क्वेश्चन, फिर भी खुद के पढ़ाई के लिए थोड़ा सा लिख दो डेफिनेशन मतलब जो मैंने बोला उसको भी, ठीक है? अभी देखो हम लोग जानेंगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक, ठीक है? मतलब अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब सपोज एक वायर है जो करंट कैरी कर रहा है, इफ यू प्लेस इट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो उसको रख दिया देन प्रोड्यूसेस मोशन. समझ में नहीं आया? मतलब क्या बोला, देखो क्वेश्चन पर मतलब वो लाइन पढ़ो, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे अगर एक सर्किट बनाया जहाँ पे इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर दिया तुमने, तो क्या होगा, तुम जहाँ पे रखोगे वो इट विल बी फिक्स्ड एट दैट पोजीशन, राइट? लेकिन वही चीज को अगर तुम मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो वायर फिक्स नहीं रहेगा, वायर क्या करेगा, आगे
मूवमेंट करेगा या फिर उसमें मोशन प्रोड्यूस हो, ठीक है। उसी को समझने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। किकिंग वायर सुनने में बहुत खुशी मतलब हंसी आ रहा है ना, हाँ इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जहाँ से हम लोग जनरेटर या फिर मोटर उसमें जा सकते हैं। पहले तो मोटर है, तो क्या क्या अरेंजमेंट, देखो मैं पेज नंबर 86 ऑफ क्वेश्चन देयर इज अ प्रॉपर डायग्राम, मेरा डायग्राम देखे मत हंसो, सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए ये समझाया कि देखो व्हेनेवर दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट यहां से पास होके यहां तक गुजरेगा, और ये क्या है, इट इज अ सपोज ये एक कोई कटोरी है, वहां पे हमने क्या रख दिया, मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी रख दिया, तो देखो हमने क्या किया, टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये नेगेटिव टर्मिनल और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं किया, हमने क्या किया, उन दोनों टर्मिनल को मर्क्यूरी में डुबो दिया। मर्क्यूरी का काम क्या है, इट इज अ लिक्विड मेटल, तो मेटल ही हुआ ना तो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। हमने ये क्यों किया अभी समझ में आएगा, देखो इट इज सीन कि अगर सपोज ये यहाँ पे चाबी है मतलब स्विच है, अगर स्विच ऑन कर देते हो तो वायर एक जगह पे नहीं रहता, वायर क्या कहा जाता है, सामने की तरफ धकेल जाता है, मतलब इफ दिस इज द वायर, ठीक है, वो सामने की तरफ कैसे चला जाएगा, व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच, ठीक है, समझ में आ रहा है, जब तुमने ये चीज है ऐसा, ठीक है, ये वायर ऐसे था स्विच देने से पहले, जब उसमें तुमने स्विच दिया वो क्या हो गया, वो आगे की तरफ चला गया, दैट मींस व्हाट, देयर इज अ मोशन इन द देयर इज अ फोर्स व्हिच डज नॉट अलाउ इट टू स्टे इन दिस पोजीशन, वो उसको आगे भेज देगा, वो लात मारेगा सामने की तरफ, दैट इज व्हाई द नेम केम ना किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। अभी और एक चीज देखा कि इफ यू इंटरचेंज द पोलैरिटी, मतलब ये अगर इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव अगर बना देते हो टर्मिनल, तो पहले अगर सामने की तरफ किक करता था वो पीछे की तरफ किक करेगा, ठीक है। सो दिस होल एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, वेयर यू केप द अरेंजमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है एक मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो क्या करेगा, जब तुम मैग्नेट को हटा दोगे देयर इज नो चेंज, वो सब ऐसे ही रहेगा, बट जब तुम उस अरेंजमेंट को मैग्नेट के अंदर रखोगे तब क्या होगा, वो सामने की तरफ धकेल देगा, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू विल गेट द आइडिया कि किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट क्या है, समझ गए हो। तो अभी तुमको क्वेश्चन आएगा, सर हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि ये फ्रंट में लात मारेगा या पीछे लात मारेगा, लात तो मारेगा, ठीक है कि नहीं, मतलब तुम्हारा एक्सपेरिमेंट यही बोलता है कि व्हेन यू कीप अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब व्हेन यू कीप अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट प्रोड्यूसेस अ मोशन, कौन सा चीज, ये वाला, ये वायर या फिर कंडक्टर क्या करेगा, एक मोशन प्रोड्यूस करेगा, उसी की वजह से वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो आगे या फिर पीछे जाएगा, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे तीन फैक्टर है, एक है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर क्या है, यहाँ से करंट जा रहा है, मतलब करंट आई तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंट करंट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट है तभी अगर तुम स्विच ऑफ कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, दैट मींस डेफिनेटली करंट की वजह से वो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी ये हो रहा है। देन क्या हो रहा है, ये जो वायर है उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब देयर इज अ फोर्स। सो इन तीनों का क्या है, एक इंटरडिपेंडेंसी है ना, एक के ऊपर एक डिपेंड कर रहा है, and that dependency was given by none other than Fleming. तो उसी के हिसाब से और एक नया चीज आएगा, that is Fleming's left hand rule. ठीक है, जो पहले हम लोगों ने किया था वो thumb rule apply किया था, right hand thumb rule. यहाँ पे thumb नहीं है, ये Fleming's left hand rule. फिर Fleming's left hand rule क्या बोलता है? If you know the direction of magnetic field and the direction of current, it will allow you, the rule will allow you to tell what is the force of the conductor, on the conductor, ठीक है? तो इसी को हम लोग explain करेंगे थोड़ा, तो हम लोगों को पहले left hand लेना है, see this is my left hand, इसको तुम perpendicular रखना है, इसको, ठीक है, central finger, forefinger और thumb को ऐसे रखो, this is the position. दिखाई दे रहा है, this is the position, ऐसे रखो, such that दो चीज इसमें से दिखाई देगा तुमको, suppose ये
ये जो है ना फोर फिंगर वो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सेंट्रल फिंगर है उसको रिप्रेजेंट करता है करंट। सी फॉर सेंट्रल फिंगर, सी फॉर करंट, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तब ये जो थंब है, थंब क्या देगा हमको? फोर्स का रिएक्शन देगा, ठीक है। नाउ इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन यू बिकॉज तुम लोग सामने नहीं हो, राइट। तो आई विल अटैच एन एक्टिविटी अलोंग विद दिस सो दैट इट विल बी मच मोर क्लियर टू यू, ठीक है। ये जो मैंने बोला किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, इसका एक एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन भी मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं। तो क्या बोला कि लेफ्ट हैंड थंब रूल को अगर इसमें अप्लाई करोगे, सो हम लोगों को क्या पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये तो पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। करंट आ रहा है कहां से? ऊपर से नीचे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और ये दोनों अगर पता चल गया देन यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो कीपिंग देखो ये राइट हैंड से काम नहीं करेगा, हमेशा लेफ्ट हैंड लेना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन है, हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन मिल गया। तो ये कहां होगा? आउटवर्ड्स। तो वायर जब ऐसा है वो कैसे करेगा? सामने की तरफ कीप करेगा, ठीक है, समझ में आया। दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की इफ यू नो द मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ यू नो द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट देन ये जो फोर्स है वो कहां पे सामने की तरफ वो करेगा दिखाई देगा। सो दैट इज व्हाई द वायर विल कीप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डिस्टर्बेंस अभी सोचो ये अभी अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर पॉजिटिव से नेगेटिव, सो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अभी इसके उल्टा हो जाएगा, कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम। तो सेकंड केस में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये है करंट का डायरेक्शन, सॉरी करंट का डायरेक्शन उल्टा है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो यू कैन गेट द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ये वाला है, अभी करंट का डायरेक्शन कौन सा है? ऊपर वाला। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फोर्स है वो कहां जा रहा है? अंदर की तरफ, इनवर्ड्स, माने ये वायर कहां? पीछे की तरफ किक करेगा, ठीक है, समझ में आया है सबको। देखो इसके बाद मैं एक बड़ा सा वीडियो अपलोड करूंगा, मतलब अटैच करूंगा, जहां पे ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली दिखाया गया है और वहां पे यू विल सी द एक्चुअल किकिंग वायर, ठीक है। सो अगर इतना सा समझ में आ गया है तभी वो तुम लोग जा सकते हो नेक्स्ट में, ठीक है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। रूल को समझने के लिए हम अपने इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर दोबारा आते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगी, वायर में करंट की डायरेक्शन होगी पीछे वाले टर्मिनल से लेकर आगे वाले टर्मिनल की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ। अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस सेटअप को बना के देखते हैं, करंट की डायरेक्शन है पीछे से आगे की ओर, दिस इज करंट, डायरेक्शन होनी चाहिए पीछे से आगे की ओर, पीछे से आगे की ओर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, मींस ऊपर से नीचे की तरफ, तो इंडिकेटर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी ऊपर से नीचे की तरफ। इस सेटअप के अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए राइट हैंड साइड की तरफ। तो अगर हम इस सेटअप में स्विच ऑन करेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग वायर में डिफ्लेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए। एक बार ऑन करके देखते हैं। ऑफ करके फिर ऑन करते हैं। तो हम देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन बताने में हमारी हेल्प करता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दें, चेंज करने के लिए हम इस मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं। अब हम देख सकते हैं साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है। अब हम पहले लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं डिफ्लेक्शन किस तरफ आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन पीछे से आगे की तरफ,
इस तरह से, और फोर्स की डायरेक्शन अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है, और थंब की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड है, मींस अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। चेक करते हैं, हम देख सकते हैं वायर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आया। एक बार फिर से चेक करते हैं, तो ये नाउ हम लोगों को तीन नोट्स जानना है, एक तीन नोट दूंगा वो एकदम नोट डाउन कर लो। पहला नोट, अच्छा पहले बता दूं कि हम लोगों ने तीन चीज पढ़ा कि व्हेन ऐसा तीनों अगर परपेंडिकुलर रखते हो, एक होगा मैग्नेटिक फील्ड, एक होगा करंट, एक होगा तुम्हारा फोर्स, ठीक है। तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड रूल से पता चल गया तुमको। अभी पहला नोट ये है कि जब करंट का बारी आएगा, when positive charge is given, positive charge मतलब कुछ भी हो सकता है, alpha particle हो सकता है, या फिर ऐसे ही बोल सकता है positively charged proton, ठीक है। तो positively charged proton या फिर alpha particle होने से हम लोग जो direction दिया होगा positive charge का, वही हम लोग क्या मानेंगे, direction of current, ठीक है, ये वाला तुमको जानना है। नंबर टू, अगर दिया है कि नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन, सपोज डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो वो अगर दिया है तो तुमको करंट का डायरेक्शन क्या मानना होगा, ऑपोजिट ऑफ दैट। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट पकड़ना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कोई भी नेगेटिव चार्ज हो, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा, तो ऑपोजिट ऑफ द ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखना। और नंबर थ्री क्या याद रखोगे, अगर कोई पूछे कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, उसका मतलब ही है फोर्स निकालने दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस देगा जहां पे ये क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट नोट डाउन कर लिया, अभी हम लोग जाएंगे कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है। देखो ये सैंपल प्रॉब्लम खुद से, अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है देन यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन बिकॉज़ आई एम सिटिंग एट दिस एंड एंड यू विल बी वाचिंग फ्रॉम दैट साइड, राइट। सो एक चीज तो तुमको पता लगाना चाहिए कि मेरा जो लेफ्ट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, राइट होगा, राइट। लेकिन तुमको वैसे ही पकड़ लेना है, ठीक है, मैं जैसे बोलूंगा। क्या बोला, देखो अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज, अच्छा सैंपल प्रॉब्लम 1 पेज नंबर 88 में क्या बोला, अ स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा हम लोग वो बना लेते हैं पहले, ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। डायरेक्शन स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहाँ पे जा रहा है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसी का किसका डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन पता चल गया हमको, ये टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। इज डिफ्लेक्टेड बाय टुवर्ड्स नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड मतलब बोलने से ही क्या है, डिफ्लेक्शन मतलब है फोर्स, तो वो क्या है, फोर्स दिया है नॉर्थ टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स है नॉर्थ में, मतलब फोर्स है ऊपर की तरफ, दिस इज द फोर्स, और तुमको निकालना है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तीन चीजों में से दो चीज पता है, थर्ड वाला चीज तुमको निकालना है, समझ में आया कि नहीं। ये नॉर्थ डायरेक्शन है और डिफ्लेक्शन मतलब ही फोर्स, मतलब फोर्स इज गिवन टू यू, करंट इज गिवन टू यू, यू नीड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे जब, ऐसे तो पहले इसको तुम मत खेलो, मतलब ये जो मैंने ये अरेंजमेंट बनाया, हाथ
यू कैन मूव द हैंड बट डू नॉट मूव द फिंगर्स, ठीक है, फिंगर्स मूव करने से तुम्हें अच्छे से आंसर नहीं मिलेगा, कीप इट फिक्स्ड, दिस पोजिशन इज फिक्स्ड, ठीक है। ये था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ये था करंट का डायरेक्शन, ये था फोर्स का डायरेक्शन, तो इसको ऐसे अभी सजाओ, फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ, सो फोर्स ऊपर की तरफ, दिस फोर्स इज ऊपर की तरफ, लेकिन करंट का डायरेक्शन कहाँ है, करंट का डायरेक्शन इस तरफ, सो करंट का डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है, मतलब फोर्स इज इन दिस पोजिशन, करंट क्या है, ऐसा है, तो ये जो है ये कहाँ हो रहा है, देखो ये कहाँ हो रहा है, सामने की तरफ, तो इसी चीज को तुम अगर कॉपी में देखते हो, कॉपी में जब रखोगे वो चीज नॉर्थ साउथ तुम्हारा जो होगा वो कैसा होगा, ऐसा टाइप का होगा ना, ये तो मैंने बोर्ड में दिखाया इसलिए ऐसा हुआ, जब तुम वही चीज को कॉपी में अगर रखोगे तो वो ऐसा हो जाएगा ना, तो क्या होगा, करंट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड्स टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये टुवर्ड्स वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कहाँ होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो आंसर विल बी अपवर्ड्स, ठीक है। देखो क्वेश्चन से तो आंसर निकालना बहुत ही सिंपल है, एक ही लाइन का आंसर है, बट व्हाई आई हैव टोल्ड यू टू डू दिस बिकॉज़ दैट वे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, समझ में आया, पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट का डायरेक्शन तो ये लिया, फोर्स का डायरेक्शन लिया ऊपर की तरफ, तो मेरे हिसाब से वो कहां होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए आउटवर्ड, बोर्ड से आउटवर्ड, लेकिन वही चीज तुम अगर कॉपी में रखोगे, यही चीज अगर तुमने कॉपी में लिखा, ठीक है, तो क्या होगा, ये अगर तुम ऐसे बनाया, कॉपी तो ऐसे नहीं रखोगे, कॉपी को ऐसे रखोगे, तो करंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ तक ऊपर की तरफ होगा, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स होगा, ठीक है। आई डोंट नो हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, यू जस्ट टेल मी, ओके, ये वाला पार्ट समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये समझ में नहीं आने से मोटर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, कमिंग टू सैंपल प्रॉब्लम टू, ये भी सिंपल सिंपल सा सामी है, ये क्या बोला, देखो, थिंक यू आर सिटिंग इन ए चेंबर विथ योर बैक टू वन वॉल, ठीक है, मैं एक चेंबर में बैठा हूँ, पीछे एक वॉल है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है, एंड इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैकवर्ड्स टुवर्ड्स द फ्रंट वॉल, तो बैक वॉल से कहा जाएगा फ्रंट वॉल तक जाएगा, तो ये है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू मी ये मेरे लिए क्या है, करंट है, दिस इज आवर करंट, तो करंट का डायरेक्शन कहां होगा, उस वॉल से इस वॉल तक, ठीक है, ये हो गया एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम द बैक वॉल टू फ्रंट वॉल, तो करंट का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होगा, तो तुमको बोला फोर्स कहां पे है, राइट साइड पे है, फोर्स मतलब डिफ्लेक्शन कहां पे है, राइट साइड पे है, राइट साइड मतलब ये अगर करंट का डायरेक्शन है, देखो ये वाला चीज अच्छे से समझो, ये है करंट, करंट है ये वॉल से ये वॉल की तरफ, फोर्स है राइट साइड मतलब मेरा राइट साइड, तो मेरा राइट साइड ये फोर्स है ना, तो मतलब राइट साइड कौन सा है, ये उस वॉल से इस वॉल की तरफ, ये है तुम्हारा करंट, फोर्स है मेरा राइट, ठीक है, तो मेरा राइट कहा, ओ नहीं ये तो मेरा लेफ्ट है, ये होगा, ये है फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स माय राइट साइड, करंट का डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा रहा हूं, करंट का डायरेक्शन है मेरी तरफ, फोर्स का डायरेक्शन है राइट साइड, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां दिखा रहा है, डाउनवर्ड्स, तो आंसर शुड बी डाउनवर्ड्स, हां डाउनवर्ड, तो सैंपल प्रॉब्लम का आंसर होगा डाउनवर्ड्स, ठीक है, तो ये मुझे अगर तुमको समझ में नहीं आया ये चीज तो अच्छे से देख लो एक बार, ठीक है, होपफुली मैं एक वीडियो इसके साथ अटैच कर दूंगा तो तुम्हारा जानने में इजी होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस मच, ओके। अ वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एक वायर है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहा है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द वायर, अब वायर के जस्ट बिलो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाएं, तो देखो ये तो हो गया हमारा सवाल, अब इस सवाल में हमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का इस्तेमाल करना है, तो एक बार याद कर लेते हैं कि ये किस डायरेक्शन में होती है, तो देखो ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई साउथ, ये राइट में हो गया ईस्ट और लेफ्ट में हो गया वेस्ट, ये हो गई ऊपर की डायरेक्शन अप और ये हो गई डाउन, अब हमें दिया हुआ है कि वायर ये करंट को कैरी कर रही है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में, तो वेस्ट से ईस्ट ये हो गई ये वाली डायरेक्शन, तो ये मेरी हो गई वायर
और ये करंट कैरी कर रही है वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में। अब देखो हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस वायर के एक नीचे वाले पॉइंट पे, बिलो पॉइंट पे। तो क्यों नहीं तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। देखो खुद से बनाने में अलग ही मजा आता है। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो इसे भी सॉल्व करने के लिए हम सेम रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल। तो यानी कि मैं वायर को कुछ ऐसे पकड़ने वाला हूँ राइट हैंड से कि मेरी थंब पॉइंट करे करंट के डायरेक्शन में। तो फिर जिस डायरेक्शन में मेरी फोर फिंगर्स मुड़ेंगी ना वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो यहां पे मैं छुरी का इस्तेमाल नहीं करूंगा इसे दिखाने के लिए, हमें इमेजिन करना पड़ेगा। तो हमारी फील्ड ये रन कर रही है कुछ इस डायरेक्शन में। मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी उंगलियों का इसे दिखाने के लिए। तो यानी कि ये हो गई मेरी उंगली और ये फील्ड ऐसे इस डायरेक्शन में रन कर रही है और मुझे पता लगाना है मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के बिलो नीचे वाले पॉइंट पे। तो मैं अपनी उंगली को वहां पर रोक दूंगा। तो ये देखो मेरी उंगली पॉइंट कर रही है इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। यानी कि इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। देखो ये ऊपर की डायरेक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अप डायरेक्शन, ये हो गई अप डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन। तो यानी कि इस सवाल का जवाब हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। अब आओ एक और सवाल बना लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है सपोज यू आर स्टैंडिंग इन योर रूम एंड यू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम द सीलिंग टू द फ्लोर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मान लो कि तुम एक रूम में खड़े हो और तुम्हारे सामने एक इलेक्ट्रॉन ये छत से जमीन की तरफ जा रहा है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स योर राइट। अब अपने राइट साइड में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाओ। तो मान लो कि मैं रूम में कहीं यहां पे खड़ा हूं और एक इलेक्ट्रॉन ये छत से जमीन की तरफ कुछ ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, हाँ, और मुझे पता लगाना है कि मेरे राइट हैंड साइड में एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब तुम सोच रहे हो कि यार यहां पे ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, इसका क्या करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन ये एक चार्ज पार्टिकल होता है और जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो फिर करंट एस्टैब्लिश होता है और इसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और तुम्हें इसी फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है एट अ पॉइंट टुवर्ड्स योर राइट। तो देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करके खुद से दिखाऊं, क्यों नहीं तुम इसे खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। तो देखो यहां पे ट्रिकी चीज ये थी कि इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये जा रहा है छत से जमीन की तरफ नीचे की तरफ। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो यानी कि करंट की डायरेक्शन ये हम मानेंगे इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में। देखो तुम्हें याद होगा कि हम मानते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये होती है पॉजिटिव चार्जेस की फ्लो की डायरेक्शन में या फिर नेगेटिव चार्जेस की फ्लो की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्योंकि जा रहा है नीचे के डायरेक्शन में इसलिए हम मानेंगे कि करंट की डायरेक्शन ये होने वाली है ऊपर के डायरेक्शन में। अब देखो हम फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो पहला स्टेप हो गया कि मैं राइट हैंड को कुछ ऐसे मोड़ूंगा कि मेरी थंब ये पॉइंट करेगी करंट के डायरेक्शन में और उसके बाद मेरे फोर फिंगर्स ये जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगे वही हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ इस डायरेक्शन में रन कर रहा है, ये कुछ इस डायरेक्शन में है। अब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ अपनी उंगली का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये कुछ इस डायरेक्शन में है। अब मुझे पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड ये एक पॉइंट पे एक राइट हैंड साइड की पॉइंट पे कहाँ होने वाला है, किस डायरेक्शन में होने वाला है। यानी कि मैं फिंगर को वहीं पर रोक दूंगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन में है और ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि इस सवाल में मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने सोचा कि आज मोटर के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, फिर मैंने सोचा कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, देयर विल बी लॉट टू टेक इन फॉर वन क्लास। सो मैं क्या करता हूँ कि जो मोटर का पार्ट है आई एम कीपिंग फॉर द नेक्स्ट डे। और ऐसा सिर्फ एक ब्रीफ एक चीज बोल देता हूँ कि मोटर का काम क्या है, बताओ मोटर का काम क्या है। जब मैं फैन का स्विच ऑन करता हूँ तो फैन रोटेट, राइट, मतलब मोटर का काम है जब तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब प्रोवाइड करते हो देन इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज इट इज रोटेटिंग, राइट। रोटेशन या फिर मूवमेंट मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का साम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। सो एनीवेज हमारा मोटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। एंड फॉर दैट मोटर कैसे बनाते हैं उसको जानने के लिए हमको प्रॉपर नॉलेज होना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फोर्स के बारे में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। उसी को लेके ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक मोटर नाउ,
मैं ये नेक्स्ट क्लास के लिए रख देता हूँ, ठीक है? तो तुम्हारा बिफोर मतलब टिल इलेक्ट्रिक मोटर मतलब एज हम पेज नंबर 88 तक अच्छे से क्लियर कर लो, कोई कंफ्यूजन है मुझसे बोल लो, ठीक है? तो ज्यादा कुछ नहीं कराया आज, एंड तुम लोग क्या करना पेज नंबर 93 में देखो हॉट्स का कुछ क्वेश्चन है और एमसीक्यू है, एमसीक्यू और हॉट्स का जो जो क्वेश्चन मोटर से रिलेटेड है उसको छोड़ दो, बाकी जो जो क्वेश्चन है दैट यू ट्राई टू सॉल्व, तब क्या होगा वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आई एम गोना गो नाउ एंड एडिट यू अप एंड अपलोड, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करके देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मुफ्त है, फिर से बता देता हूँ, और चल बाय बाय।